नमस्कार दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार एक्टर प्रभास की फिल्म सालार से पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक हाल ही में रिलीज किया गया था। प्रभास के लुक को तो हम पहले ही देख चुके हैं। फिल्म की रिलीज में अभी काफी वक्त है, लेकिन दर्शकों का एक्साइटमेंट और जिज्ञासाएं हर पोस्टर के साथ बढ़ता जा रहा है। एक सवाल जो लगभग हर दर्शकों के जहन में बना हुआ है, और वो ये है कि आखिर सालार का मतलब क्या होता है। आइए बताते हैं कि आखिर क्या होता है सालार का मतलब। तो आपको बता दें कि सालार का मतलब होता है लीडर या नायक, सेनापति या सरदार को संबोधित करने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म में प्रभास का लुक काफी अग्रेसिव और डेडली दिखाया गया है, और माना जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर बहुत जोरदार होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए प्रभास अपना बाहुबली वाला रिकॉर्ड फिर से रिपीट कर सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि बाहुबली के बाद प्रभास ने जितनी भी बड़ी फिल्मों में काम किया, उनका बजट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी कहानी और डायरेक्शन में दम नहीं था। यही वजह रही कि राधे श्याम और साहो जैसी फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें बॉक्स ऑफिस पर वो सक्सेस नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी उनसे। तो फिर सालार में ऐसा क्या खास है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। बता दें कि फिल्म सालार का निर्देशन प्रशांत नील के हाथ में है। नील वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट भी की हैं। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 200 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, जो कि किसी भी नॉन वीएफएक्स फिल्म के लिहाज से काफी ज्यादा है। फिल्म का प्रोडक्शन भी हॉम्बेल फिल्म्स के हाथ में है, जिसने केजीएफ का प्रोडक्शन किया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी सिनेमेटोग्राफी किस लेवल की होगी। दोस्तों, सालार से जुड़ी यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।